शहर में चोरों का आतंक इस कदर फैला है कि आम आदमी को तो छोड़िए, भगवान के मंदिर तक को नहीं छोड़ा। मोती झील पूजा बाजार के विकास कलेक्शन में किलर, रेंगलर समेत सभी ब्रांडों पर 20-30% की विशेष छूट। ठंड बढ़ने के साथ जिले में चोरों का उत्पात बढ़ गया है। हर दिन जिले में चोरी की घटनाएं हो रही हैं। पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। हाल में दर्जनों चोरी की घटनाएं हुई हैं, लेकिन गिरफ्तारी निदारत है। एक बार फिर चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया है। इस बार ब्रह्मपुरा थाना से 10 कदम की दूरी पर स्थित सर्वेश्वर नाथ मंदिर में घटना को अंजाम दिया। चोरों ने मंदिर के मेन गेट में लगे ताला को तोड़कर दान पेटी व कई भगवान के चांदी सोने के आभूषण चोरी कर ली। इसकी जानकारी शनिवार की सुबह को मंदिर के महंत संजय ओझा को हुई, जब वे पूजा पाठ करने मंदिर पहुंचे। इसकी शिकायत उन्होंने ब्रह्मपुरा थाना से की है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। पुजारी संजय ओझा ने बताया कि शुक्रवार की रात 8 बजे मंदिर का पट बंद कर घर चले गए। सुबह में आए तो पाया कि मेन गेट में लगा ताला टूटा हुआ है। रात चोरों ने चोरी करके मंदिर को लूट लिया, मैंने मंदिर के पूरी संपत्ति समाप्त कर दी, लूट ही लिया। चोरी ने इसको भीषण डकैती मानी। क्या क्या हुआ है चोरी? मैंने इसमें से भगवती का आभूषण, नाक में के नथिया, दान पात्र का 25-30 हजार रुपया, बर्तन, आरती रानी, घंटी, नाग नागिन सब लेके चला गया। लाखों 1.5 लाख का मंदिर की क्षति है। कितने बजे यह घटना हुआ? रात को हुई, कितने बजे हुई? 12 बजे रात के बाद हुई।